कोरोना के बाद एक बार फिर चीन के लोग रहस्यमय बीमारी से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन में फैली बीमारी पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञ इस नई बीमारी को कोविड-19 से भी जोड़कर देख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये बीमारी भी तेजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही है। अब चीन में फैली बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने कहा है कि सांस संबंधित बीमारी की वृद्धि कोविड महामारी से पहले जितनी ज्यादा नहीं है। हाल के मामले में कोई नया या असामान्य रोग जनक नहीं पाया गया है। WHO के महामारी की तैयारी और रोकथाम विभाग के कार्यवाहक निर्देशक मारिया वान केरखोव ने कहा कि ये वृद्धि रोग जनकों से संक्रमित बच्चों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है। वान केरखोव ने शुक्रवार को एक साक्षात्कार में इस रहस्यमय बीमारी की तुलना कोरोना से करते हुए कहा कि इस बीमारी की वृद्धि उतनी नहीं है जितना उन्होंने 2018 और 19 के दौरान कोरोना के दौर में देखी थी। गौरतलब है कि चीन में जो बीमारी फैली है उसमें बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुखाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इसे रहस्यमय निमोनिया बताया जा रहा है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को जोखिम कम करने के लिए बुनियादी सावधानी बरतने की सलाह दी। हालांकि आगे कहा गया कि मौजूदा स्थिति के आधार पर किसी भी यात्रा प्रतिबंध की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता मी फैंग ने रविवार को कहा कि फ्लू और अन्य ज्ञात रोग जनकों के कारण देश में सांस संबंधी बीमारियों में तेजी आई है। सांस की बीमारियों के लिए सामान्य वायरस जिम्मेदार है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।